শনিবার কলকাতার এক বিলাসবহুল হোটেলে হয়ে গেল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জীবনাশ্রিত হিন্দি চলচ্চিত্র এক অর নরেন ছবির শুভ মুহূর্ত। এই ছবিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর চরিত্রে মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন মহাভারত খ্যাত অভিনেতা গজেন্দ্র চৌহান। সঞ্জীব কুমার তেওয়ারির নাট্যরূপ অবলম্বনে স্বপন নস্করের নিজস্ব সংস্থা স্বপ্নাশ্রী প্রোডাকশনের প্রযোজনায় মিলন ভৌমিকের পরিচালনায় হল এক অর নরেন ছবিটির শুভ মুহূর্ত। देखिए, हम कलाकार लोग हैं और ये फिल्म का जो प्रोजेक्ट है ये बहुत समय से अंडरवे था कि हमको ये प्रोजेक्ट बनाना है। दादा के साथ डिस्कशंस चल रही थी, बातचीत हो रही थी, स्क्रिप्ट पे काम चल रहा था। तो ये कोइंसिडेंस है कि ऐसे समय में जब बंगाल में चुनाव हैं और हम लोग ये फिल्म को लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रोल निभाना जो है वो बहुत मुश्किल काम है। मैं कोशिश करूंगा कि उनके करीब तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। उनके व्यक्तित्व जो है इतना महान है, इतनी उनमें इतना दमदार उनका किरदार है कि उसको निभाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा। और बंगाल में चुनाव है, अगर ये फिल्म हमारी कोशिश रहेगी कि ये जल्द से जल्द बने और लोगों तक पहुँचे ताकि हमारा जो संदेश है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वो बंगाल की जनता तक भी पहुँच सके। इससे पहले आप सेवा कुशा जी का जो रोल निभाया वो तो रिलीज नहीं हुआ जब किया बंगाल पर, अभी नरेंद्र मोदी जी का जो ये बन रहा है उसकी रिलीज होकर देखा। देखिए, जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का फिल्म मैंने किया था तब सरकार और थी, जब तक ये फिल्म आएगी शायद सरकार कोई और होगी, इसलिए हमें मुश्किल नहीं होगी। नरेंद्र जी, आप ये जो किरदार आप निभा रहे हैं जी, इतना महान किरदार, तो इसके लिए आपने तैयारी कैसे किया ये थोड़ा बताएंगे? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने महान किरदार कहा, इसको एक्सेप्ट किया। वाकई में आदरणीय मोदी जी जो हैं बहुत महान हैं अपने आप में। मेरा बहुत बड़ा अनुभव है आदरणीय मोदी जी के साथ काम करने का। मैं उस विचारधारा से हूं, मैं उस पार्टी का एक सदस्य हूं और मैंने मोदी जी के साथ पिछले 20 वर्षों में बहुत करीब से काम किया है, उनको देखा है, उनके व्यक्तित्व को जाना है, उनके पर्सोना को जाना है। तो मुझे लगता है कि उनके उससे मैं कुछ अनुभव लेकर इस रोल को अदा कर पाऊंगा। गजेंद्र जी, गजेंद्र, अगर एक दिन के लिए आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो पहले कौन सा काम तो आप प्रेफरेंस करेंगे? देखिए, अगर मुझे कभी मौका मिले कि मैं प्रधानमंत्री एक दिन के लिए बन जाऊं तो पहले तो ये सोचूंगा कि एक दिन के लिए ही क्यों ना 5 वर्षों के लिए बनूं, ताकि देश में जो काम बचे हुए हैं उन्हें कर सकूं। आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं कि अगर पिछले सरकारों ने काम किए होते तो आज मुझे काम करने की आवश्यकता नहीं होती। सेम किस्सा मेरे साथ FTI में भी था, अगर पिछले चेयरमैन काम करते तो मुझे इतना काम करने की आवश्यकता नहीं होती। तो सिचुएशन सेम है, और अगर एक दिन का भी मौका मिला तो सबसे पहले मैं युवाओं के लिए जो बेस्ट टू बेस्ट काम हो सकेगा वो कर सकूँगा, क्योंकि युवा जो होते हैं वो किसी भी देश का भविष्य होते हैं, उस देश की जड़ होती है, क्योंकि वहीं से उठ के देश का भविष्य बनता है। तो युवाओं में शिक्षा लाना, उन्हें रोज़गार देना, उनके लिए जो भी बेस्ट टू बेस्ट फैसिलिटीज़ है वो देनी चाहिए। युवा जो है एक बहुत बड़ा वर्ग है इस देश का, जिसके लिए काम करना बहुत आवश्यक है, और मैं मानता हूँ कि मौजूदा सरकार कर रही है, और मुझे कभी मौका मिला तो मैं युवाओं के लिए आगे बढ़ चढ़ कर काम करूँगा। এই ছবিটার সম্পর্কে ছবিটার নামটাই সব কথা বলে দেয়, বাকি তো যা বলার মিলনদা বললেন, গজেন্দ্রজি বললেন। আমার একটা কথাই বলার, সেটা হচ্ছে যে এরকম একটা ছবি যে যত্ন নিয়ে তৈরি হওয়া দরকার, তার স্ক্রিপ্টিং থেকে শুরু করে তার শেষ শট থেকে রিডিং থেকে শুরু করে সমস্তটা, আমার মনে হয় গজেন্দ্রজির মেকআপ বলে দিচ্ছে যে সমস্তটা সেইভাবেই হবে। আশা করি ছবিটা সেভাবেই কমপ্লিট হোক, কারণ এই ছবিটা ঠিকঠাকভাবে করলে আমার মনে হয় যে এই ধরনের ছবি বা মিলনদা যে ধরনের ছবির কথা বলছেন বা স্বপ্ন দেখছেন, সেই ছবির একটা নতুন ধারা ভারতবর্ষের বুকে চালু হবে। সো অল মাই বেস্ট উইশেস ফর দ্য হোল টিম, কারণ উনি তো আমায় নেবেন না, 3 দিন আগেও একটা ছবির জন্য ফোন করেছিলেন, নেননি, ঠিক আছে। বাকি টিমটার জন্য আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা, সবাই ভালো থাকবেন, সময়টা ভালো না, যারা উপস্থিত হয়েছেন সবাইকে ধন্যবাদ, এবং মঞ্চে যারা উপস্থিত হয়েছেন মাননীয় গজেন্দ্রজি ওনাকেও ধন্যবাদ, আপনারা আমাকে এখানে নিমন্ত্রণ করেছেন তার জন্য
বিলনদাকেও ধন্যবাদ। একটু দেরি করে এসেছি যেহেতু নির্বাচন সমাগত, তার জন্য কাজও অনেক পড়েছে, কিন্তু মিলনদা বলেছেন মিলনদার আহ্বানেতে এখানে এসেছি। আর আশা করব শুটিংয়ে যাওয়ার নিমন্ত্রণ ছিল কিন্তু যাওয়ার সময় হয়নি। আশা করছি যে এই ছবি বা এই ফিল্ম একটা জনপ্রিয় ফিল্ম তৈরি হবে এবং ওনার যে প্রচেষ্টা, বিশেষ করে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আর তাকে নিয়ে একটা চিত্র একটা ফিল্ম, আর সেটা আমার মনে হয় যেটা আর সাকসেসফুল হবে এবং পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এবং ভারতবর্ষের মানুষ এটাকে গ্রহণ করবেন। আর সেই আশা রেখে আপনাদের সবাইকে আমার ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।